अच्छा भाई बुलाए आराम से प्लीज प्लीज आराम से पीछे अच्छा भाई आराम से थोड़ा सा पीछे है जो मुकदमा चल रहा है उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जो इल्जाम लगाए गए आप पे क्या समझते हैं वो ठीक है? जो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मामला सब जजेस है और इसके अलावा मैं ऐसे कड़े मुश्किल इम्तहानात से अपनी 45 इयर्स की 45 साल जिद्दोजहद में सैकड़ों मरतबा ऐसे मराहिल से गुजर चुका हूं और अल्लाह ने मुझे इस्तकामत दी, मैं साबित कदम रहा और मैंने कभी किसी बड़े से बड़े कठिन हालात में मायूसी इख्तियार नहीं की मैंने और ना आज मुझे कोई मायूसी है। क्यों के जो बड़े मकासद होते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला जो फैसला करता है वो उसके अमल और उसके किरदार को देखकर फैसला करता है। अच्छा भाई आपकी सेहत जो है इजाजत देती है ट्रायल का सामना करने के लिए? मैं अपने चाहने वालों से, अपने प्यारों से, अपने वफा परस साथियों से कहना चाहूंगा इस कड़े वक्त में आप किसी किस्म की अफवाहों पर कान न धरें और साबित कदम रहें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें और दुआ अल्लाह से करें। बाकी अल्ताफ हुसैन नाम ही जुर्रत हिम्मत और साबित कदम रहने वाले का है। तभी आपकी सेहत इजाजत देती है ट्रायल का सामना करने की सेहत इजाजत देती है? आप क्या कहेंगे इस वक्त फिर कराची में वो टारगेट के लिए जो सारा काम शुरू हो चुका है एक जमाने में कराची में? मैं इस वक्त मां सिवाय नेक ख्वाहिशात की आई कैन नॉट से एनी वर्ड रिगार्डिंग दिस प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कराची के क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वेल विशेस मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, दुआ कर सकता हूं और जो वहां पर मौजूद पॉलिटिक्स में जो जो काम कर रहे हैं और जो जो जमातें वहां पर मौजूद हैं उन सब की मुश्तरका कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिक सिटी उसकी तरक्की उसके अमन के लिए जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार अदा करें। तभी आपकी सेहत इजाजत देती है ट्रायल का सामना करने आपसे अलग हो गए आप उनके रोल को कैसे देखते हैं इस वक्त जो कराची